Very good morning, all of you. Today we start 10th class poem. ये कुत्ते वाली poem अपने कराने जा रहे हैं आज, ठीक है? Poem का नाम है ELEGY on the death of a mad dog. एक पागल कुत्ते की मृत्यु पर एक दुखद गीत. ELEGY होता है एक दुखद गीत होता है, ठीक है? उपर से क्या होता है, दुखद गीत होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे. ये आपके poem number 4 है, chapter number 4 आपका है 10th class 10th chapter English. तो ये poem क्या होती है, एक व्यक्ति और कुत्ते के बारे में पोइम है. शुरू के अंदर वो मित्र होते हैं, बाद में थोड़ी दुश्मनी हो जाती है. तो सबसे पहले तो इस पोइम के अंदर क्या एक मनुष्य की क्वालिटी बताई गई है, ये कैसा मनुष्य था, कहाँ पढ़ता था, उसका स्वभाव क्या था, उसके विचार कैसे थे, ठीक है, वो क्या करता था. तो अपने क्या है गहन चर्चा करते हैं इस पोइम के अंदर. फर्स्ट लाइन इसकी है, गुड पीपल ऑल ऑफ एवरी सोर्ट, इसी प्रकार के अच्छे लोग, इसी प्रकार के क्या है अच्छे लोग. गिव ईयर अनटू माई सॉन्ग, कि मेरे गीत को सुनेंगे. सभी प्रकार के अच्छे लोग क्या है, शॉर्ट चलो गिव ईयर, ये होता है सुनना होता है. माई सॉन्ग, मेरे गीत को सुनेंगे. कोई गीत तो पोइम के ये पोइम एक गीत मतलब सुना रहा कि मेरे गीत को सभी जो भी प्रकार के लोग हैं गीत को सुनेंगे, ठीक है. एंड इफ यू फाइंड इट वंडर्स, कि आपको इसमें आश्चर्य ही मिलेगा. एक बड़ा चीज आपको वंडर्स वंडर्स होता है आश्चर्य, या कोई सर्वाधिक चीज होती है चकित करने वाली आपको मिलेगी, जन मिलेगी. शॉर्ट इट कैन नॉट होल्ड यू लो, कि मैं आपको लंबे समय तक यही सुनाऊंगा, कैन नॉट होल्ड, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, लक्ष्य करो मैं आपको ये पोइम क्या है काफी लंबे समय तक नहीं सुनाऊंगा. यानी सीधी सी बात बताया गया है कि एक जो कवि है वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि सभी प्रकार के लोग मेरा एक सॉन्ग सुनेंगे, आपको इस सॉन्ग में आश्चर्य होगा और मैं आपका अधिक समय खराब नहीं करूंगा. तो उसको वो कह रहा है कि मेरा सॉन्ग क्या छोटा सा है, ठीक है, मतलब ये कोई उसकी उसको सॉन्ग कह रहा है, ठीक है, और अपने विचार व्यक्त कर रहा है. तो वो आगे क्या कहता है, इन आइसिकटन, ठीक है, जगह का नाम है, ठीक है, एक प्लेस है, स्थान का नाम है आइसिकटन, ठीक है. देयर वाज ए मैन, वो कहता है एक आइसिकटन के अंदर क्या है एक व्यक्ति रहता था, क्या कहता है एक व्यक्ति, मतलब ये व्यक्ति है वो यहाँ पर क्या है आइसिकटन के अंदर रहता है, यहाँ पर क्या व्यक्ति रहता है, हुम द वर्ल्ड, ठीक है, जिसके बारे में वर्ल्ड माइंड से संसार के लोग कहते थे, हु ये होता जिसके बारे में, जिसके बारे में द वर्ल्ड माइंड से संसार के लोग कहते थे उससे. देयर स्टिल ए गॉडली रेस हिरन, कि वह क्या धार्मिक प्रवृत्ति का क्या कहते हैं, वो था एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था. वो क्या था, गॉडली रेस हिरन होता है, वह एक धार्मिक भगवान की रेस को दौड़ो, मतलब क्या है एक प्रकार से क्या धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है. कौन है, जो व्यक्ति रहता है आइसलैंड के अंदर, ठीक है, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है. वेयर ही वेंट टू प्रे, जहां पर क्या हमेशा क्या प्रार्थना करता हूँ, तो वो हमेशा क्या है सुखाम, हमेशा क्या प्रार्थना करना, प्रे करना सुखाम, हमेशा क्या प्रार्थना करता रहता है. पूरे धार्मिक प्रवृत्ति का लोग है वो आइसलैंड के अंदर रहता है. एक व्यक्ति के बारे में क्या है, ये सॉन्ग है या पोइम है, वो कह रहता है आइसलैंड में रहता है, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग है, वो हमेशा क्या प्रार्थना करता है, ऐसा संसार लोग उसके बारे में कहते हैं, हमें बताते हैं. ए काइंड एंड जेंटल, वह क्या एक काइंड है, क्या मतलब दयालु है, ठीक है, जेंटल मतलब विनम्र है, और क्या है विनम्र हार्ट होता है, विनम्र हृदय का है, उसका हृदय है, ठीक है, ही है, यानी उसके पास क्या क्या चीज है, एक तो वो दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जेंटल विनम्र है, हृदय का है, ये उसके पास क्या गुण है, उस मतलब उसकी क्या क्वालिटी, इसकी जो व्यक्ति आश्रय में रहता है, जो कि भगवान की प्रार्थना करता है, दयालु व्यक्ति है, विनम्र हृदय वाला है, इस प्रकार व्यक्ति है वो. तो कंफर्टेबल फ्रेंड एंड फॉइस, ये मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो दोनों के साथ ही मित्रों के साथ, मित्र हो फ्रेंड्स के साथ मित्र हो गए, मित्रों होंगे और जो होता है शत्रु हो गए, शत्रु दोनों के साथ क्या वो आरामदायक से रह सकता, मतलब दोनों साथ वो कंफर्टेबल है, चाहे मित्र शत्रु हो उसे कोई दिक्कत नहीं होती किसी प्रकार का एडजस्ट करने में, ठीक है, इस प्रकार का मित्र धार्मिक प्रवृत्ति का लोग है तो उसे एडजस्ट करने में दिक्कत नहीं होती है. ही नेक्ड एवरी डे, प्रत्येक स्नान करता है, क्लेड वस्त्र पहनता है, मतलब प्रत्येक स्नान करता है और क्लेड पट ही पुट ऑन हिज क्लोथ, उसके बाद कपड़े पहनता है, प्रत्येक दिन वो क्या है स्नान करता है और उसके बाद वो कपड़े पहनता है, मतलब एक प्रकार से न्यू कपड़े वो क्या पहनता है. उस स्नान सारे करते हैं, स्नान तो नहाने जाता है प्रत्येक दिन, यानी हर दिन नहाने जाता है और कपड़े पहनना तो होता ही है न्यू है. एंड दैट टाउन,
उसके टाउन में उसको सिम में डॉग वाज फाउंड, एक कुत्ता पाया गया, मतलब कुत्ते पाए जाते हैं उस टाउन में, कुछ विशेष प्रकार के कुत्ते यहाँ पाए जाते हैं, मतलब कई प्रकार के कुत्ते हैं उस टाउन के अंदर, जो व्यक्ति है उस टाउन में नहीं रखते हैं कुत्ते भी लेते हैं, ठीक है। एज मेनी डॉग्स, अनेक कुत्ते हैं, एज मेनी डॉग्स देयर बी बोथ मैंग्रोव में होते हैं, एक मिक्स जाति मिश्रित जाति के होते हैं कुत्ते, डिफरेंट फॉर से भिन्न होते हैं, ठीक है ना, बूस होते हैं, मैंग्रोव बोलते हैं, पपी है, क्या होता है देखो, एक यंग होता है, यंग पिल्ला होता है, वन ईयर का मान सकते हैं इसको, ठीक है। और होली है, होली होता है रेस वाले डॉग होते हैं उनके बारे, एंड हाउंड, हाउंड होता है शिकारी कुत्ते, शिकारी कुत्ते हैं, मतलब इस प्रकार के जो कुत्ते हैं, जो कुत्तों की प्रजाति है, ठीक है, मंगोल होगी, पप्पी होगी, फैल होगी और हाउंड होगी, इस प्रकार की प्रजाति के लोग जो कुत्ते हैं वो उसके टाउन में भी निवास करते हैं, उसके टाउन में। एंड पार्ट्स ऑफ लॉ डिग्री, और वो वैसे एक शांत रहने वाला एक इंसान है, बिल्कुल क्या शांत रहता है, उसकी जो प्रॉपर्टी है बिल्कुल क्या शांत है, बहुत ही अच्छी नेचर का है। तो एक बार क्या होता है, द डॉग एंड द मैन, कुत्ते होते हैं वो व्यक्ति होते हैं फर्स्ट, पहले वो होते हैं फ्रेंड्स, मित्र होते हैं, मतलब वो पहले वो जैसे कुत्तों से मिलता है, मुलाकात होती है, तो कुत्ता और वो व्यक्ति दोनों क्या मित्र बन जाते हैं, दोनों फर्स्ट बड़ी मुलाकात में या पहली बार वो क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं मित्र होते हैं। तो ये पॉइंट की आपकी फर्स्ट वीडियो थी, तो इसमें और अपने थोड़ा मरम पढ़ लेते हैं, सबसे पहले क्या होता है कविता के अंदर क्या होता है कि वो कवि कहता है कि जो उसी प्रकार के लोग हैं अच्छे लोग हैं, ठीक है, उसी प्रकार के लोग हैं जो अच्छे लोग हैं वो मेरे गाने को सुनेंगे, ठीक है, वो अगर मैं गाना गा रहा हूँ ये गाना क्या लिख रहा हूँ उसे सुनेंगे या पढ़ेंगे, ठीक है, और आप उसमें अच्छे पाओगे, ठीक है, लेकिन मैं आपका अधिक समय खराब नहीं करूँगा, मतलब वो कहता है कि बहुत ही शॉर्ट का टाइम है, ये मेरा गाना है वो आप सुन लीजिए, मैं वो टाइम खराब नहीं करूँगा। वो हमें कहना चाहता है कि एक व्यक्ति है वो रहता है ऐसी जगह में रहता है, ठीक है, लोग उसके बारे में कहते हैं कि वो धर्म प्रति का व्यक्ति है और हमेशा प्रार्थना करता रहता है, ठीक है, और लोग उसके बारे में कहते हैं कि वो एक जादू प्रति का है, उसका बिना हृदय है, ठीक है, और बहुत ही हो गया प्रॉपर इंसान है, और उसी और वो कहता है कि जो वो यानी कपड़े पहनता है, यानी वो जो कपड़े उतार देता है उसे नहीं कहता, तो वो नहाता है, कपड़े पहनता है, बूट पहनने का शौकीन है, और उसके टाउन में कई प्रकार के कुत्तों की प्रजाति भी रहती है, उस प्रजाति में देखो आवाज मोंगरेल आ गया, मोंगरेल प्रजाति होती है जो मिक्स जाति के कुत्ते होते हैं, मिक्स कलर डिफेंस होते हैं, और पप्पी ये वन ईयर्स के जो यंग होते हैं बच्चे उन्हें बोला जाता है, वहल्स होते हैं रेस वाले कुत्ते, उसके अलावा भाउंस होते हैं शिकारी कुत्ते, यानी प्रजाति रहती है। और एक दिन क्या होता है उसका मुलाकात एक कुत्ते से होती है, फर्स्ट मुलाकात में कुत्ते और व्यक्ति क्या होते हैं दोनों मित्र बन जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ढंग से समझ आ गया होगा, एक दो बार भी देखोगे तो आपको ढंग से क्या समझ आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।